55 शाहबाद नवाब काइट क्लब में आप सभी का स्वागत है। हमारा क्लब संपूर्ण भारत वर्ष के सभी पतंग के शौकीन मेंबर्स को आमंत्रित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। शेखपुरवा में शुक्रवार की सुबह शहर के स्टेशन रोड स्थित सदर थाना पहुंचकर नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों शिक्षकों ने भ्रमण कराया, जहाँ थाने में पुलिस से मिलने वाली सहायता और पुलिस की सेवा से संबंधित कई जानकारियाँ बच्चों को दी गई। बच्चों को स्कूल आने या छुट्टी के वक्त घर जाने के समय कोई आपराधिक घटना घटने पर फॉर्म कैसे सहायता ली जा सकती है इसके बारे में बच्चों को बताया गया। कोई घटना घटने पर थाने में परिजनों के साथ आकर आवेदन देने के बारे में जानकारी दी गई। थाना का भ्रमण करने के बाद शिक्षकों ने कहा कि बच्चों को थाना और पुलिस के कार्यों से संबंधित कई अहम जानकारियां दी गई हैं। इस दौरान थाने में पकड़े गए वाहन की जानकारी, पुलिसकर्मियों के साथ बर्ताव, थाना अध्यक्ष के साथ बर्ताव कई जानकारी दी गई। स्कूल के छोटे छोटे नन्हे बच्चों को, महिला और पुलिस कैदियों को रखने की अलग अलग हाजत को भी दिखाया गया, जबकि घटना घटने पर पुलिस को तुरंत खबर करने हेतु टोल फ्री नंबर की भी जानकारी दी गई, ताकि उक्त नंबर की सहायता से पुलिस फॉर्म घटनास्थल पर पहुँचकर कार्रवाई कर सके। इस अवसर पर पुलिस निरीक्षक मोहम्मद शमशाद आलम और कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी भी मौजूद थे। स्कूली नन्हे मुन्ने बच्चों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। संतोष कुमार, अंजना स्टेट हेड की खास। आप कौन से नंबर पे कॉल करोगे, यहाँ कॉल पिक हो गए, वहाँ पर इमरजेंसी के लिए कोई भी एक्सीडेंट हो तो पुलिस कैसे हमारी हेल्प करती है उन्हें मिलाने के लिए, गाड़ी कैसे यहाँ पे अरेस्ट होता है या कोई अरेस्ट होते हैं उनको 24 आवर के लिए थाने में रखे जाते हैं, ये सारी टॉपिक बच्चों को विजुअली हम लोग क्लियर करने के लिए यहाँ पे उनको लेके आए हैं। एंड जब उनको एक्सीडेंट हो जाते हैं गाड़ी से तो नॉन लिविंग थिंग्स जो गाड़ी